नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। बलिया में सुखपुरा थाना के परिसर में एक व्यक्ति के हंगामा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में थाने में हंगामा करने वाला व्यक्ति थाना परिसर में पुलिस के सामने ही जमकर हंगामा काटा। थाना प्रभारी व भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए पीड़ित महिला के पास एसडीएम के आदेश के बाद भी थाना प्रभारी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप लगाया है। यही नहीं, हंगामा करने वाला व्यक्ति पुलिसकर्मियों के सामने ही थाना प्रभारी का नाम लेते हुए जमकर मुर्दाबाद का नारा भी लगाया है। थाना के भीतर इस व्यक्ति द्वारा हंगामा करने और पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने का वीडियो किसी व्यक्ति ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने हंगामा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। पेशे बलिया से नवल जी के साथ अखिलेश सैनी की एक खास रिपोर्ट। व्यक्ति जो है पुलिस पे तमाम आरोप लगा रहा है कि मेरे सब कर मेरे एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हो रही है और वीडियो वायरल है। सर, क्या मामला है? एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक आदमी सुखपुरा थाने पर जाकर हल्ला गुल्ला कर रहा था। इस संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि उसका अपने गांव में दूसरे पक्ष से विवाद चल रहा है और वो गांव में लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके वहां थाने पर गया था और तब तक दूसरी पार्टी भी थाने पर आ गई और उनके द्वारा पूरा वाकया बताया गया। मौके पर थाना प्रभारी गए, उनके द्वारा जांच पड़ताल की गई तो ये पाया गया कि हल्ला गुल्ला करने वाला आदमी आक्रामक था और उसके द्वारा ज्यादती की गई। तो इस संबंध में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है।